हेलो मित्रों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं टीना एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल व्रत त्यौहार और कथाएं में। मित्रों, एक धतूरा बदल सकता है आपका भाग्य, और व्यापार में आपको दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होने के साथ कर्ज से मुक्ति दिलाएगा एक धतूरे का उपाय। महादेव शिव शंभु को भोलेनाथ को धतूरा अति प्रिय है। धतूरा चढ़ाने से वह जल्द प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को हर कष्टों से छुटकारा दिला देते हैं। मित्रों, आइए जानते हैं व्यापार में वृद्धि के लिए कैसे करें धतूरे का इस्तेमाल। हर शख्स की चाहत होती है कि वह नौकरी या फिर खुद का बिजनेस करके सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चला जाए। अपनी उन्नति के लिए व्यवसाय शुरू करता है, लेकिन अधिक मेहनत करने के बावजूद भी सफलता हासिल नहीं होती है। एक व्यापार के बाद दूसरे व्यापार पर हाथ आजमाता है, लेकिन उसमें भी असफलता ही हाथ लगती है। अगर व्यापार चल भी गया तो इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है, ऐसे में वह हमेशा दुखी रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कई बार ग्रहों की स्थिति, देवी देवताओं का खुश न होना जैसे कारण भी हो सकते हैं। ऐसे में मित्रों, आप चाहे तो कुछ प्रभावी ज्योतिषी उपायों को अपना सकते हैं। इन्हीं उपायों में से एक है धतूरे का इस्तेमाल। आइए मित्रों, जानते हैं व्यापार में बढ़ोतरी, कर्ज से छुटकारा पाने से लेकर संतान के विवाह में आ रही अड़चनों से कैसे एक धतूरा निजात दिला सकता है। व्यापार में लाभ और कर्ज से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये धतूरे का उपाय। किसी भी मास के त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष व्रत के दिन एक धतूरा भगवान शंकर के ऊपर रख दे। धतूरा रखते समय इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग में धतूरा अर्पित करते समय उसकी डंडी आपके विपरीत दिशा में हो। इसके बाद इसी के ऊपर धीरे धीरे एक लोटे जल चढ़ाते रहें। इसके साथ ही हाटकेश्वर महाराज का नाम लेते रहें। इसके बाद इस धतूरे को घर वापस लाकर किसी जगह पर रख दे। ऐसा करने से लगातार व्यापार में हो रहे घाटे से आपको छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही संतान के विवाह में आ रही अड़चनों से भी आपको छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही कर्ज से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगला उपाय है मित्रों, बिजनेस बढ़ाने के लिए कपूर का उपाय। एक कांच की कटोरी में कपूर के 7 टुकड़े, फिटकरी के 2 टुकड़े और खड़ा नमक का 1 टुकड़ा ले ले। इसे 15 दिन ऐसे ही रखा रहने दे। इसके बाद इसे आप बदल सकते हैं। 15 दिन में ही आपको लाभ नजर आने लगेगा। ये उपाय भी आप मित्रों अपने व्यापार बिजनेस के लिए जरूर से आजमाएं। अगला है मित्रों, बटुकेश्वर महादेव की पूजा करें। बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी गीली कर लें और पीपल के पत्ते के ऊपर शिवलिंग बना लें और बटुकेश्वर महादेव के नाम पर पूजा करें। 7 बार दही चढ़ाएं। इसके बाद इस दही से 1 चम्मच निकाल लें और इससे ऑफिस दुकान जहां पर बिजनेस होता है वहीं पर स्वास्तिक बना लें। साथ ही पीपल में रखें, शिवलिंग को जल में प्रवाहित कर दें। इस प्रकार से मित्रों, ये सारे उपाय आप एक बार से जरूर से आजमाएं। इनसे आपको 101% आपको इन उपायों से लाभ मिलेगा। तो मित्रों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें
ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे मित्रों। भगवान भोलेनाथ आपकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करें, आपको आपकी हर एक समस्या से आपको निजात दिलवाएं, उनसे छुटकारा दिलवाएं। ओम नमः शिवाय।